दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये एक लोड सेल है, ये आप देख रहे हैं कैनिस्टर टाइप लोड सेल है, जिसकी आप देख रहे हैं RTN 1000। इसका मॉडल नंबर है, ये 100 टन की कैपेसिटी है और 2.85 मिली वोल्ट पर वोल्ट इसकी स्पेसिफिकेशन है। ये एक बिन के नीचे तीन लोड सेल लगाए गए हैं, जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जंपर हैं, दोनों कनेक्टर्स के दरमियान जंपर डाले हुए हैं। आप देख रहे हैं तीनों लोड सेल की वाइट केबल एक ही जगह पे कनेक्ट हैं, ब्लैक एक जगह पे हैं, ब्लू एक जगह पे हैं और रेड एक जगह पे लगी हुई हैं, आपस में शॉर्ट की हुई हैं। यानी ये तीनों लोड सेल आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। ये टर्मिनल आप देख रहे हैं 11 और 12, इनके दरमियान आप देख रहे हैं जंपर लगा हुआ है। 13 और 14 के दरमियान जंपर है, यह मैंने इसकी पावर निकाल दी है। इस लोड सेल को हम चेक करेंगे कि लोड सेल सही है या ख़राब है। लोड सेल को हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो हम उसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि उन जो उसकी एक्साइटेशन की केबल्स हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, और जो उसका सिग्नल की केबल है वहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है। सिग्नल की केबल जो होती हैं, जो कि आउटपुट है लोड सेल की, उस पे रेजिस्टेंस एक्साइटेशन के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यह हम डाटा शीट से देख सकते हैं कि इसकी नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या है। अभी मैं एक्साइटेशन वाली केबल पे चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.330 किलो ओम, ये किलो ओम में है, यानी 1330 ओम रेजिस्टेंस है। और सिग्नल वाली केबल पे अभी हम चेक करेंगे, यहाँ पे 1479 1.48 किलो ओम इसकी आउटपुट टर्मिनल पे रेजिस्टेंस है। मैंने आपको बताया कि सिग्नल वाली केबल या आउटपुट जो केबल होती है जहाँ पे हम मिली वोल्ट लेते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस एक्साइटेशन वाली टर्मिनल से ज़्यादा होती है। अभी मैं इसकी सप्लाई कनेक्ट करूँगा और देखूँगा कि इसके एक्साइटेशन वोल्ट क्या हैं और इसके आउटपुट मिली वोल्ट कितने आ रहे हैं। ये मैं इसका चेक कर रहा हूँ एक्साइटेशन वोल्ट, ये नेगेटिव में आ रहा है। मैं प्रोब को चेंज करूँगा, ये 10 वोल्ट है, इसके एक्साइटेशन वोल्ट हैं 10 वोल्ट। ये आप देख रहे हैं इसके वोल्ट पूरे यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं इसके मिली वोल्ट चेक करूँगा। ये 100 टन के तीन लोड सेल लगे हुए हैं और यहाँ पे जो इसका वेट अभी तकरीबन 120-126 तक इसका लोड इसके ऊपर है, तो अभी मैं देखूंगा यहाँ पे कितने मिली वोल्ट जनरेट हो रहे हैं। ये तकरीबन 11.9 है, 11.9 मिली वोल्ट ये हमें दे रहा है। तो लोड हमें पता है तो ये बिल्कुल सही मिली वोल्ट दे रहा है, इसका मतलब है ये लोड सेल सही काम कर रहा है।